गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू एजियम फिजियो क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एनाटॉमी और फंक्शंस वगैरह पढ़े थे, एलिमेंट्री कैनाल और उसके ऑर्गन्स के, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब ओरल कैविटी के अंदर एक और चीज़ आती है, दैट इज सलाइवा। सलाइवा म्यूकस और सीरस फ्लूड का मिक्सचर होता है और फूड बोलस को बनने में हेल्पफुल होता है। ये हमने ओरल कैविटी में पढ़ा ना कि फूड का बोलस पार्ट बनता है। इस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है जिसकी वजह से मुंह में स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। तो ओरल पार्ट भी वो है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन होएगा। इसमें केमिकल्स डिसॉल्व होते हैं ताकि वो टेस्ट उसके अंदर डाल सकें, तो केमिकल्स को डिसॉल्व करते हैं वो। तो ये सलाइवा है जो म्यूकस सीरस फ्लूइड का बना होता है, फूड बोलस को बनने में हेल्पफुल होता है। इसमें अमाइलेज पाया जाता है जिससे कि स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली, अब एनाटॉमी लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो फिजियोलॉजी पार्ट पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजी पार्ट। एनाटॉमिकल पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है जिसमें अपन ने सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। तो फिजियोलॉजिकल पार्ट के अंदर हमारे को फंक्शन पढ़ना है या हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अपना फंक्शन करता है, यानी कैसे डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस, क्योंकि एनाटॉमी अपन ने मुंह से स्टार्ट करी, तो ऑब्वियस डाइजेशन का प्रोसेस भी हम मुंह से ही स्टार्ट करेंगे। तो मुंह में सबसे पहला रोल था सलाइवा का। अब आगे जितना भी जाता जाएगा उसके अंदर हमारे को डाइजेशन पढ़ना होता है। डाइजेशन में जो हम फूड खाते हैं डाइजेस्ट होता है, फूड कार्ब का, फैट का और प्रोटीन का, तीन चीज़ों का बना होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लूकोज पॉलीमर जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह लेते हैं, ये डाइजेस्ट होते हैं डायसैकेराइड के अंदर। जैसे स्टार्च वगैरह अमाइले से माल्टोज वगैरह में कन्वर्ट होते हैं, डायसैकेराइड माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इनमें जो है ग्लूकोज वगैरह कन्वर्ट होंगे डायसैकेराइड। जो है माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट करेगा जिसे दो ग्लूकोज बनेंगे, सुक्रोज को सुक्रेज कन्वर्ट करेगा जिसे वन ग्लूकोज वन फ्रक्टोज, और लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ता है। एक्चुअली ग्लूकोज का पॉलीमर जो होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है जो कि डाइसैकेराइड से पहले वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होएगा। एक्चुअली ये चीज़ कहना चाह रहा है। और यहाँ जो स्टार्च और ग्लाइकोजन बताया गया है ये पॉलीसैकेराइड है, इसलिए वर्ड ऊपर ग्लूकोज का पॉलीमर लिखा हुआ है। ग्लूकोज का पॉलीमर का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड से पहले डाइसैकेराइड बना, डाइसैकेराइड से फिर मोनोसैकेराइड बना। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चलता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड और फैट का मेनली जो डाइजेशन चलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है। ये लाइन मैंने आपको जब एनाटॉमी पढ़ाई थी वहाँ पर मैंने बताई थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन चारों का डाइजेशन चलता है। तो कैसे चलता है भाई, देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको अपन, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना काफ़ी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च पैनक्रेटिक एमाइलेज के द्वारा माल्टोज में कन्वर्ट होता है, दूसरे डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, फिर माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज जैसे एंजाइम उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में पाया जाता है जो कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में टूटता है। फिर अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, डाई पेप्टाइडेज के द्वारा अमाइनो एसिड में टूटता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए से बना होता है जिसको न्यूक्लियस तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड में, और दूसरे एंजाइम से वो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट में टूटता है। लास्ट फैट्स, फैट में फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो बाइल सॉल्ट के द्वारा फैट ड्रॉपलेट्स में टूटते हैं। फिर उसका एमल्सिफिकेशन, ये फैट ड्रॉपलेट्स में टूटना ही क्या कहलाता है, एमल्सिफिकेशन। फैट ग्लोब्यूल्स का फैट ड्रॉपलेट्स में टूटना एमल्सिफिकेशन कहलाता है। ये फैट ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है बड़ा फैट का पार्ट,
जिसका साइज बड़ा होता है, तो बाइल सॉल्ट उसको तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, जिसको आप फैट ड्रॉपलेट्स कहते हैं। इस प्रोसेस को आप एमल्सिफिकेशन कहते हैं, और फिर लाइपेज एंजाइम के द्वारा ये फैट ड्रॉपलेट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर टूटते हैं। तो ये फैट का डाइजेशन है। अब इसके बाद अपन ने डाइजेशन पढ़ लिया भाई, कार्ब फैट प्रोटीन सबका। अब आ जाइए पैनक्रियाज के ऊपर, क्योंकि अपन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सलाइवा हो गया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज वाइड स्पेक्ट्रम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, जो सभी तरह के फूड को, सभी कैटेगरी के फूड को तोड़ने का काम करता है। एंजाइम्स जो है वो सीधा ड्यूडेनम में इसके सीक्रेट होंगे, क्योंकि ड्यूडेनम में अपन ने पढ़ा था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो पैनक्रियाज को के सर पर से घूमता हुआ जा रहा था, वो ड्यूडेनम कहला रहा है। तो ड्यूडेनम में इसके एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं। एल्कलाइन फ्लूड जो है इन एंजाइम साथ में इंट्रोड्यूस होकर के एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है, ये भी अपन ने पढ़ा था ड्यूडेनम के अंदर, कि स्टमक से आने वाला एसिडिक काइम जो है वो एल्कलाइन फ्लूड के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर पैनक्रियाज के जो एंडोक्राइन प्रोडक्ट्स होते हैं, लैंगर ऑफ आइलैंड से जो सीक्रेट हो रहे हैं वो भी डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, और वो प्रोडक्ट्स होते हैं इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमेटोस्टैटिन। क्योंकि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की तीन सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो बीटा सेल्स है इंसुलिन, अल्फा सेल्स है ग्लूकागन और डेल्टा सेल्स है सोमेटोस्टैटिन नाम के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट दिखाया गया है, उसकी हिस्टोलॉजी दिखाई गई, देखो काफ़ी एनलार्ज करके समझाया हुआ है। स्मॉल डक्ट है, ये एसिनर सेल्स हैं, उसके किनारे पर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाइमोजन ग्रेन्यूल्स हैं, और ये ब्लू कलर की थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल सी स्ट्रक्चर सी जो आपको दिखाई दे रही है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये पेनक्रियास कहाँ पे डाल रहा है अपने सिक्रीशन को, ड्यूडेनम में। तो देखो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजन एक्टिव इनएक्टिव होता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड एंटीरो पेप्टाइडेज द्वारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे काइमोट्रिप्सिन, इस ट्रिप्सिन की वजह से काइमोट्रिप्सिनोजन भी इनएक्टिव, और इस ट्रिप्सिन की वजह से काइमोट्रिप्सिन जो कि एक एक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी एक इनएक्टिव सबस्टांस है जो कि ट्रिप्सिन की वजह से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारा प्रोसेस इंटेस्टाइन के ल्यूमन में चल रहा है इस पेनक्रियाज के सिक्रीशन के द्वारा। अब पेनक्रियाटिक जूस किससे बना होता है, उसके फंक्शन क्या है भाई? तो ट्रिप्सिनोजन जो हमने कहा एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्टिवेट होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, एक्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जैसे एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियसेस। ये एंजाइम्स, इनको आयंस और बाइल की ज़रूरत होती है अपनी ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए। पेनक्रियास एक रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, जिसमें हेड, बॉडी और टेल होता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह एक्ट करती है। कॉमन बाइल डक्ट और मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट आगे जाकर के एम्प्यूल ऑफ वेटर बनाते हैं, देन टू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, फिर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से जुड़ता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा। ये इसकी स्ट्रक्चर है पैनक्रियास की, ये पैनक्रियास, और इधर पीछे इसकी ये पैनक्रियाटिक डक्ट दिखाई हुई डायग्राम के अंदर देखिए, और ये कॉमन बाइल डक्ट है इसकी जो पैनक्रियास में जुड़ रही है जीबी की। दूसरी स्ट्रक्चर, ये सब एसेसरी स्ट्रक्चर्स है जो आपके डाइजेस्ट सिस्टम से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर में पेनक्रियाज हो गई, अब आएगा लीवर जो कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। डायफ्राम के नीचे बॉडी के राइट साइड में लोकेटेड होती है, चार लोब से बना होता है। डायफ्राम और एब्डोमिनल कैविटी के द्वारा फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से सस्पेंडेड रहता है। ये गॉल ब्लैडर से कॉमन हिपेटिक डक्ट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। लीवर राइट डायफ्राम के नीचे के राइट पार्ट में लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसमें चार लोब्स है, लेफ्ट, राइट, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। इसमें हाइलेस्ट पार्ट होता है जिसको आप पोर्टा हिपेटिस भी कहते हो, जो कि अंडरसाइड एंट्री पॉइंट है, लीवर का एंट्री पॉइंट होता है हाइलेस्ट। फिर इससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर, इसके पास में गॉल ब्लैडर आपको दिखाई दे रही है भाई, देखो ये पिक्चर देखिए अच्छे से।
ये कोरोनरी लिगामेंट, ये लेफ्ट लोब, राउंड लिगामेंट जिसको लिगामेंटम टेरिस कहते हैं, ये राइट लोब, ये इसके अंदर छोटी सी निकलती गॉल ब्लैडर, ऊपर वाला डायग्राम देखो, और ये फैलसी फॉर्म लिगामेंट्स के द्वारा ये हैंगिंग स्टेट में रहता है या जुड़ा रहता है या लटका हुआ रहता है, आप कुछ भी कह लीजिए। ये इसकी कॉर्डेट लोब, इन्फीरियर वेना कैपा, लेफ्ट हेपेटिक वेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर लीवर की, ये माइक्रोस्कोपिक एनाटमी है लीवर की, देखिए भाई काफ़ी बड़ा करके बताया गया माइक्रोस्कोपिकली। ये इंटरलॉबुलर वेन है, हिपैटिक वेन में जा रही है ये। ये प्लेट्स ऑफ हिपैटोसाइट्स, ये छोटी छोटी लीवर की सेल्स दिखाई गई हैं, हिपैटोसाइट्स उसकी पूरी पूरी प्लेट, उस पूरे को एक साथ प्लेट नाम दिया गया है। ये बाइल डक्ट है, ये पोर्टल आर्टरी, पास में पोर्टल वेन, रेड कलर की पोर्टल आर्टरी, ब्लू कलर की पोर्टल वेन, और ये ग्रीन से कलर की बाइल डक्ट दिखाई गई है। इन तीनों को एक साथ अपन पोर्टल ट्रायड कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पोर्टल ट्रायड क्या होता है? ये लिवर से कनेक्टेड बाइल डक्ट, पोर्टल आर्टरियोल और पोर्टल वेन्योल को कहते हैं। ये सेंट्रल वेन है, काफ़ी अच्छे से बड़ी सी जा रही है। ये साइनोसॉइड्स बताए गए हैं, फिर ये दूसरी स्ट्रक्चर इसकी फेनिस्ट्रेटेड लाइनिंग है, एंडोथेल सेल्स की बनी होती है, साइनोसॉइड्स की फेनिस्ट्रेट लाइनिंग। ये बाइल की कैनेलिक्यूलाई है, ये पोर्टल ट्रायड जिसमें वही तीन नाम जो मैंने बताया यहाँ पर काफ़ी अच्छे से उसको बड़ा करके दिखाया गया, जो आपको एकदम क्लियर दिखाई दे, लाल कलर की पोर्टल आर्टरियोल, ब्लू कलर की पोर्टल वेन्योल, और ये ग्रीन कलर की जो है वो बाइल डक्ट, तीनों मिलकर पोर्टल ट्रायड बना रहे हैं। ये बाइल कैनेलिक्यूलस के अंदर बाइल है जो कि फ्लो होता है बाइल डक्ट में। ये कुफर सेल्स है साइनोसॉइड वॉल में, कुफर सेल्स मैक्रोफाज होती है भाई लीवर की, ये याद कर लीजिएगा, लीवर की मैक्रोफाज को आप कुफर सेल्स कहते हैं। और ये सेंट्रल वेन बीच में दिखाई गई है, ये लीवर की विसरल सरफेस है। हालांकि मैं आपको लीवर अलग से पढ़ाऊंगी, डिटेल में अपन पढ़ेंगे, पूरा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये हिपैटिक पोर्टल वेन, ये कॉर्डेट लोब, लेफ्ट लोब, लिगामेंटम वेनोसम दिखाई गई है फिशर में, ये पोर्टा हिपैटिस, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट बताई गई है, ये फिशर बीच में से जो ऊपर से आ रही थी वो फिशर, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये क्वाड्रेट लोब है इसकी, ये लिगामेंटम का टेरिस, राइट लोब दिखाई गई है, ये ग्रीन कलर की गॉल ब्लैडर आपको दिख रही है, गॉल ब्लैडर से निकलती हुई सिस्टिक डक्ट है, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये राइट हेपेटिक आर्टरी है, ये बैरे एरिया है, ये इन्फीरियर वेना के बाद तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये विसल सरफेस है लीवर की, लीवर का डायग्राम पूछा जाता है भाई, मैं आपको क्लियर बता दूं, एनाटॉमी पूछी जाती है लीवर की, लीवर के फंक्शन से पूछा जाता है, शॉर्ट नोट आता है लीवर पे भी, गॉल ब्लैडर पे भी, और पेनक्रियास के ऊपर भी, तो आपको ये पढ़ना है डिटेल में अच्छे से। अब लीवर का मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है? तो भाई लीवर का ही तो रोल है मेटाबॉलिज्म में, लीवर ही तो वो मेन ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो कि मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो डाइजेशन में इसके सेवरल रोल्स होते हैं, ये ड्रग्स और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है बेचारा, डिटॉक्सिफाई करते करते अल्कोहल करते करते खुद ही डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है ना अल्कोहल जो लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं उनमें, अल्कोहलिक पर्सन्स के अंदर। हॉर्मोन्स को भी डिग्रेड करता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, ब्लड प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ये सब के सब लीवर में ही प्रोड्यूस होते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म में भी सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो डाइजेशन में, ड्रग अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन में, हार्मोन के डिग्रेडेशन में, और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रोटीन के प्रोडक्शन में, और मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल रोल प्ले करता है। अब सबसे पहले बाइल, लीवर की सेल द्वारा ये प्रोड्यूस होगा, जो लीवर में सेल्स है उनके द्वारा बाइल प्रोड्यूस होता है। किसका बना होता है बाइल? बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है। बाइल पिगमेंट मोस्टली बिलिरुबिन होता है जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से ये बाइल पिगमेंट बनेगा। खत्म लीवर का तो पार्ट, अब गॉल ब्लैडर पे आ जाइए, पेनक्रियाज हो गई, लीवर हो गई। अब गॉल ब्लैडर एक थैला होता है जो कि लीवर के होलोफोसा में पाया जाता है, इसमें लीवर में बनने वाला बाइल स्टोर होता है, लीवर में बाइल बनता है और सिस्टिक डक्ट से होता हुआ जाकर के सीधा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल फिर ड्यूडेनम में इंट्रोड्यूस होता है, फैटी फूड अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो तो कि उसका डाइजेशन करेगा ना, फैटी फूड का अपन ने पढ़ा ना, बाइल
सॉल्ट के द्वारा जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को अपन एमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो बाइल जो है फिर ड्यूडेनम में जाएगा अगर फैटी फूड ड्यूडेनम में प्रेजेंट होगा। गॉल स्टोन जो है वो ब्लॉकेज कॉज कर देता है जिससे बाइल मूव नहीं करेगा। गॉल स्टोन में क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाता है। इस कंडीशन अपन इसका साइंटिफिक टर्म है कोलिथियासिस। कोलिथियासिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का केमिकल डाइजेशन देख लीजिए भाई, जिसमें इन सब का रोल है। ये वाला पार्ट ये मैं बता चुकी हूँ आपको, जैसे पैंक्रियाडक्ट, पैंक्रियाज, जेजेनम, ये सारा डायग्राम अपन देख चुके हैं। ये क्या करते भाई, अब गॉल ब्लैडर क्या करता है भाई, बाइल को स्टोर भी करता है, उसको कंसंट्रेट भी कर देता है, एकदम गाढ़ा बना देता है। कितना गाढ़ा, जितना वो आया था उसका 10 गुना ज़्यादा गाढ़ा उसको बना देता है। फिर इसको ड्यूडेनम में एक्सपेल करता है ताकि ये बाइल फैट का एमल्सिफिकेशन कर सके। ये वाला डायग्राम अपन पहले पढ़ चुके हैं, बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब डाइजेस्ट सिस्टम का प्रोसेस देखिए भाई, अपन ने ये वाले नाम पहले पढ़े थे ना स्टार्टिंग के अंदर, जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था सारे नाम पढ़ाए थे, इंजेशन, प्रोपल्शन वगैरह। इंजेशन में फूड जो है वो माउथ के अंदर आता है, प्रोपल्शन में फूड मूव करता है डाइजेस्ट सिस्टम के एक रीजन से लेकर के दूसरे रीजन तक। मूवमेंट को ही प्रोपल्शन अपन कहते हैं। फिर पेरिस्टासिस में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलती है ऑल्टरनेटिंगली, कहीं पर बंद हुई, कहीं पर रिलैक्स, कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पर रिलैक्स, इसको पेरिस्टासिस कहते हैं। सेगमेंटेशन, मटेरियल जो मूव करता है बैक और फोर्थ मिक्सिंग के द्वारा, आगे पीछे हो करके अच्छे से सब चीज़ों को मिला रहा होता है, उसको अपन सेगमेंटेशन कहते हैं। ये बी वाले पार्ट में सेगमेंटेशन दिखाया, ऊपर वाले पार्ट में पेरिस्टासिस दिखाया हुआ है। फिर मैकेनिकल डाइजेशन में फूड जो है वो माउथ के द्वारा उसको पीसा जाता है, उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। इसमें टंग भी हेल्पफुल होती है, यानी फूड की मिक्सिंग और उसको पीसना। फिर फूड का चर्निंग होता है वो स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका सेगमेंटेशन होता है। तो मिक्सिंग होती है माउथ में टंग के द्वारा, चर्निंग होती है फूड की स्टमक में, और सेगमेंटेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तीनों चीज़ें मैकेनिकल डाइजेशन कहलाती है। केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स जो होते हैं वो फूड मॉलिक्यूल को बिल्डिंग ब्लॉक्स में, मतलब जिससे वो फूड मॉलिक्यूल बना हुआ है उसमें तोड़ देते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन से, टुकड़े नहीं, छोटे पार्टिकल्स मतलब जिससे वो फूड बना है, जिस स्ट्रक्चर से, उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर में इसको तोड़ देता है। हर एक मेजर फूड ग्रुप जो है वो अलग अलग एंजाइम्स का यूज़ करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में टूटेगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेगा, और फैट जो है वो फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स या ग्लिसरॉल्स में टूटते हैं। फिर हो गया डाइजेशन, तब उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जो चीज़ आपने डाइजेस्ट कर ली है। तो डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ब्लड या लिम्फ में जा कर के एब्जॉर्ब होता है। फूड म्यूकोसल सेल में एंटर करता है, देन ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज में जाता है। फिर फूड का जितना भी जरूरी पार्ट था वो एब्जॉर्ब हो गया, तो जो बच गया रेस्ट पार्ट, जो इनडाइजेस्टेबल सबस्टांसेस हैं, वो फीसेस के फॉर्म में, उस रूप में एलिमिनेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को आप डिफिकेशन कहते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी भाई, हमने पढ़ा इंजेशन फूड को खाना, प्रोपल्शन फूड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पेरिस्टासिस, ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन, सेगमेंटेशन जिसमें फूड का बैक एंड फ्रॉथ मिक्सिंग होती है, फिर मैकेनिकल डाइजेशन चलता है फूड का, फिर केमिकल डाइजेशन चलता है, फिर एब्जॉर्प्शन होएगा, फूड की जरूरी चीज़ें सब एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो इनडाइजेसेबल सबस्टांसेस बच गए वो डिफिकेट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें बोली मैंने, ये पूरा प्रोसेस इसके साथ, इस डायग्राम के साथ में समझाया हुआ है पूरा डाइजेस्ट सिस्टम। तो देखिए, फूड आपने खाया उसको आप इंजेशन कह रहे हैं, माउथ में इसका मैकेनिकल डाइजेशन होता है जिसमें च्यूइंग करते हैं आप, फूड को चबा रहे होते हैं, फिर ये फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस में प्रोपल्शन का प्रोसेस चलता है, यानी स्वेलोइंग होती है ओरोफेरिंग के द्वारा, फिर पेरिस्टासिस के द्वारा ईसोफेगस से वो स्टमक में जाएगा, स्टमक के अंदर भाई चर्निंग का प्रोसेस चलेगा, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है चर्निंग, देन ये स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन का प्रोसेस चलेगा, यानी टू फ्रॉथ एंड बैक मूवमेंट चलता है, मिक्सिंग चलती है फूड की। यहाँ पर इसका केमिकल डाइजेशन भी चलेगा, स्टमक में भी इसका केमिकल डाइजेशन चलता है, और
स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है, वहाँ से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, वैसे तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। यहाँ से ये जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स में लिम्फ वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज वगैरह सब कुछ इसमें जुड़ी हुई हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो ज़रूरी चीज़ें थी वो एब्जॉर्ब होकर के इस ब्लड के पार्ट में गई है, इन ब्लड आर्टरीज वगैरह में चली जाती है, इसलिए पास में स्ट्रक्चर बनाई हुई है। फिर जो बच गया फूड वाटर वगैरह सब वो फीसेस के फॉर्म में एनएस द्वारा बाहर निकल जाता है, प्रोसेस कहलाता है डीफिकेशन। अब डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है भाई, तो मोस्टली रिफ्लेक्सेस इसको कंट्रोल करते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के द्वारा। इसमें केमिकल और मैकेनिकल रिसेप्टर्स आपके ऑर्गन वॉल पे लगे होते हैं जो कि इन रिफ्लेक्सेस को शुरू करते हैं। अब न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिएंट वो सबस्टांसेस होता है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए आवश्यक होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस रख रखाव के लिए और बॉडी के रिपेयरिंग के लिए। कुछ टूट फूट हो गया, कुछ नुकसान हो गया तो उसको ठीक करने के लिए जिन सबस्टांसेस की आवश्यकता होती है उनको अपन न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कार्ब, लिपिड, प्रोटीन, विटामिंस, मिनरल और वाटर आते हैं। कार्ब में सिंपल शुगर, स्टार्च और फाइबर आएंगे। लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और फैटी एसिड्स आएंगे। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं भाई प्रोटीन, ये सब चीज़ें होती है। और विटामिंस, मिनरल और वाटर आपको पता ही है। इसके बाद ये सब का एक साथ यहाँ पे समरी की फॉर्म में पूरे डाइजेस्ट सिस्टम और उसके फंक्शन को बताया गया है कि भाई मुंह में सबसे पहले टंग बड़ा करूँगे इन सब चीज़ों को, मैनिवर्स है फूड के मैस्टिकेशन चबाने में काम आता है, फूड को शेप देता है बोलस के रूप में। मैनिवर फूड जो है वो डी ग्लूटिशन इसका होता है जो कि टेस्ट के सेंसेशन में काम आता है, डाइजेशन करता है ये ट्राइग्लिसराइड्स मतलब फैट वगैरह का डाइजेशन, ट्राइग्लिसराइड फैट को कहते हैं। उसके अलावा इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं भाई, सलाइवरी ग्लैंड, टीथ, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि ये सारे सारे पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, ये केवल इसका समरी है, तो खुद से आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरी समरी को अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगी, ये मुश्किल नहीं है, हमने पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इंट्रोडक्टरी डाइजेशन वाली जो क्लास है अपनी उस वो आज यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, मतलब डाइजेस्ट सिस्टम इंट्रोडक्टरी कंप्लीट हो चुका। अगर आप इतना भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो पास होने के लिए ये सफिशिएंट है, इस चैप्टर के पार्ट में पास होने के लिए सफिशिएंट है। बाकी इसकी डिटेलिंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे जहां मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से और डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। वैसे इसमें बहुत डिस्क्रिप्शन था पर फिर भी कुछ पार्ट जो रह गया वो अपन और नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।